हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सक्सेस टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाले एमएस एक्सेस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। हाँ फ्रेंड, जो ट्रिपल सी एग्जाम में एमएस एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाँ फ्रेंड, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर मेरी सातवीं नंबर की वीडियो है। इससे प्रीवियस की वीडियो यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और बहुत सारी वीडियो आपको देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूं। जो आज का पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस का, वो है आपको मिल जाएगा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी की विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड को पहचानती है। हाँ फ्रेंड, तो इसमें मैं करेक्ट आंसर पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, इस समय एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से बता दूंगा, आप मोबाइल से इसे कैप्चर कर लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ के लिए बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फॉर्गन की। जो इसका करेक्ट आंसर फॉर्गन, ये स्पेशल की होती है। आप अगर एमएस एक्सेल यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर जो स्टार की तरह रहेगी वही होती है हमारी फॉर्गन की, आपको ये फॉर्गन की होती है, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें कैप्चर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, या फिर अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है वो एमएस एक्सेल में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, 5, 8, 7, 4। तो मैं बता दूं, इसमें जो करेक्ट आंसर वो है हमारा 7 नंबर, जो 7 ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको 7 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। बाय द वे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आपको नहीं सर्च करना वहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है। तो जो डेटा रखता है उसे कहते हैं क्वेरीज के नाम से जानते हैं हम। बी नंबर सही है इसमें का, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है, डेटाबेस डिजाइन में कितने प्रकार की कीज होती हैं। तो प्राइमरी की, फॉरगिन की, कैंडिडेट की, ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से सारी कीज होती हैं, और बहुत सारी कीज हैं, लेकिन जो इसमें से ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट आंसर वो डी है, ऑल ऑफ दीज। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मॉडिफिकेशन नहीं है, अपलोडिंग, इंसर्ट, अपडेटिंग, सॉर्टिंग। जो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, सॉर्टिंग है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है, निम्न में से कौन सी वैल्यू के एक सेट के बीच रिलेशन को दर्शाता है। तो इसका जो रिलेशन होता है कि ये फील्ड बताता है, मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर सी है, आ फील्ड, इसका फील्ड है। फ्रेंड, जब उसमें आप कुछ लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे या नंबर लिखेंगे, तो आपको वो बताएगा कि ये आपका टेस्ट है कि ये फिर नंबर से रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से आपको उसमें फील्ड चूज करना पड़ता है। जैसे कोई नाम लिख रहे हैं तो नाम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टेस्ट चूज करना होता है, ना कि आपको नंबर। तो इसी तरह वहाँ पर टेस्ट के अनुसार या फिर आपके कॉन्टेंट के अनुसार वहाँ से आपको फील्ड चूज करना पड़ता है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ईआर मॉडल का कंपोनेंट निम्न में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स। जो इसका करेक्ट आंसर वो डी नंबर है, सभी हैं उसके कंपोनेंट। इसको हाईलाइट कर देता हूं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा किस क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे ज़्यादा क्वेरी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिलेक्ट क्वेरी। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। और बहुत सारी ये भी यूज की जाती हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन का मकसद वो है सिलेक्ट क्वेरी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, दो टेबल के बीच रिलेशन बनाने के लिए क्या होना आवश्यक होता है, फील्ड की, टेबल्स। तो रिलेशन बनाने के लिए तो इसमें से सारे जरूरत पड़ते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डी नंबर है, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेरी डिजाइन विंडो का ऑप्शन नहीं है। जो क्वेरी डिजाइन में एक ऑप्शन इसमें से है जो नहीं होता है, तो मैं बता दूं, ए नंबर का करेक्ट आंसर है, फॉर्मेट नहीं होता है इसमें। इसको हाईलाइट कर देता हूं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला नंबर है, एक से ज्यादा टेबल में से समान सूचना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जब रिलेशन होता है या क्वेरी होती है
या नॉर्मलाइजेशन होता है, रिपोर्ट होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर होता है ए नंबर, ए, यानी इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रिलेशन होना मस्ट होता है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टेस्ट फील्ड का डिफॉल्ट और एकदम आकार कितना होता है, 50 एंड 255 करेक्टर, 8 एंड 1 GB, 266 करेक्टर, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, वो 50 एंड 250 करेक्टर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट इसका आकार होता है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, पहला ए सही है इसमें का। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, टोटल रो में कौन सा फंक्शन प्रयोग नहीं होता है, तो टोटल में तो मैक्सिमम राउंड एवरेज इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है राउंड, होता है बी नंबर, बी नंबर हाईलाइट हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, वह ऑपरेशन जिसमें विशिष्ट मापदंडों के अंतर्गत इनपुट डेटा जांचा जाता है, तो वो होता है क्रॉस चेक, डाटा कंट्रोल, डाटा वेरिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें का जो करेक्ट आंसर है वो होता है डेटा वेरिफिकेशन, सी नंबर सही है इसका दोस्तों, सी नंबर, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, सी नंबर इसमें का करेक्ट आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, अपेंड क्वेरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्वेरी को डिलीट करने के लिए, क्वेरी को सेव करने के लिए, क्वेरी को अपडेट करने के लिए, एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल में कॉपी करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं जो करेक्ट इसका आंसर वो डी नंबर है, एक टेबल का डाटा दूसरी टेबल में कॉपी करने के लिए अपेंड क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर करिए, जरूर जाइएगा दोस्तों। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, टेबल में से सभी सॉर्ट हटाने के लिए कमांड पर क्लिक करते हैं, एलिमिनेट ऑल सॉर्ट, रिमूव ऑल सॉर्ट, क्लियर ऑल सॉर्ट, डिलीट ऑल सॉर्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर, क्लियर ऑल सॉर्ट, हाईलाइट कर देता हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कमांड फील्ड कॉलम राइट क्लिक मेनू से नहीं चुनी जा सकती, जब हम किसी भी, जब हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, उसमें जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, जब रो होती जो हमारी उसमें होती फील्ड होती उसके कॉर्नर पे, तो वहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, फ्रीज कॉलम, रीनेम कॉलम, सॉर्ट, डिसेंडिंग हाइट कॉलम, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे प्रैक्टिकली करके जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो सी नंबर है, सॉर्ट डिसेंडिंग, ये आपको ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगा जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप देखिएगा जरूर, और फ्रीज कॉलम, रीनेम, हाइट में भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अमान्य फील्ड नेम है, तो स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट और एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, इसमें से जो करेक्ट आंसर उससे मैं बता देता हूँ आपको, आप जरूर करके देखिएगा, उसमें करेक्ट आंसर जो है अमान्य है, ये स्टूडेंट डॉट एड्रेस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में पिक्चर स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट का, मेमो का, पिक्चर का, ओएलआई का, तो जो आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे वहां पर जो फील्ड नेम आप चूज करेंगे वो होगा हमारा बी नंबर, मेमो। आप सोच रहे होंगे इसमें पिक्चर क्यों नहीं, क्योंकि पिक्चर का जो उसमें होता है उसमें पिक्चर फील्ड होती ही नहीं है एक्चुअली में, बात यह है, तो इसमें जो मेमो के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, एमएस एक्सेल में समय को स्टोर करने के लिए कौन सा सही डेटा टाइप है, तो जो समय को स्टोर करता है वो हमारा डेट टाइम, इसके लिए यूज किया जाता है, करेक्ट आंसर डेट टाइम, सी नंबर है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेस का मान डेटा टाइप नहीं है, तो जो एमएस एक्सेस का मान डेटा टाइप नहीं है वो मैं करेक्ट आंसर बता दूं आपको, वो है पिक्चर, जो पिक्चर है वो करेक्ट डेटा टाइप या मान डेटा टाइप नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा को होल्ड करता है, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, तो टेबल है जो इसका करेक्ट डाटा होल्ड करती है। अब फ्रेंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जो नेक्स्ट है वो है, एमएस एक्सेल टेबल में कॉलम को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं, फील्ड कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, तो रो कहते हैं, तो उसमें जो करेक्ट आंसर उसके मैं बता दूं, उसे कहते हैं फील्ड के नाम से जानते हैं, इसको फील्ड के नाम से जाते हैं। हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप कोई टेस्ट इंसर्ट करते हैं, कोई नंबर इंसर्ट करते हैं, तो उसको अलग अलग फील्ड के नाम से जानते हैं, जैसे कि जो हमारा, जैसे कोई नाम ले लीजिए, जैसे कि एमएस एक्सेस को हम टेस्ट के नाम से जानते हैं, और जैसे कि 1, 2, 3 नंबरिंग हो गई कोई मोबाइल नंबर, तो उसको नंबर से हम जानते हैं, तो सबके लिए अलग अलग फील्ड होती हैं,
तो इसी तरह उसमें अलग अलग फील्ड होती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर से जो उसकी फील्ड होती है समझता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस में टेबल को प्रदर्शित करने का व्यू है। तो मैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ए नंबर इसका सही है, डिजाइन व्यू। जैसे कि आप डेटाबेस आपका तैयार हो जाता है तो आपको उसको देखना रहता है, तो उसको डिजाइन व्यू के थ्रू देखा जाता है, तो आप डिजाइन व्यू के थ्रू से देख सकते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर ए नंबर डिजाइन व्यू होता है। अब आपको नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो मिल जाएगा वो है एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हाँ, प्रिंटिस के बारे में तो आप जानते होंगे, एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी, डेटाबेस होता है इसका करेक्ट, जो हमारा एमएस होता है वो डेटाबेस प्रोग्राम होता है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम RDBMS के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन हो जाता है RDBMS, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, MS Excel और RDBMS एक ही चीज़ है। तो इसका जो फुल नेम होता है RDBMS का, वो ये होता है रिलेशनल डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन था ये मेरा, अब क्वेश्चन सारे एंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप तक जरूर प्रोवाइड करने की, आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।